हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेखाराम सियोल ने जीता कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल जूडो प्रतियोगिता के ग्रैंड मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। प्रदेश की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के इंडोर हॉल में 4 से 11 नवंबर तक आयोजित हुई ये प्रतियोगिता। जूडो कोच खेमाराम चौधरी और भगराज माइला ने बताया कि कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में बाड़मेर के रेखाराम सियोल ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। सियोल बाड़मेर के पहले खिलाड़ी रहे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए पदक अपने नाम किया। सियोल ने प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर्स कैटेगरी के 73 किलो भार वर्ग में हिस्सा लिया। सियोल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सियोल ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला फुल पॉइंट महज खेल के शुरू होने के 15 सेकंड में आसानी से जीत लिया। भारत को पहली बार कॉमनवेल्थ जूडो गेम्स की मेजबानी मिली। 12 बार लगातार भारतीय रेलवे जूडो टीम की तरफ से खेल चुके हैं। साथ ही स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्कूल गेम्स भारतीय जूडो फेडरेशन द्वारा आयोजित जूनियर सीनियर ओपन गेम्स AIU द्वारा आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रतिनिधित्व के साथ साथ मेडल भी जीत चुके हैं। सियोल राजस्थान जूडो संघ के सह सचिव हैं और बाड़मेर जूडो संघ के सचिव हैं। सियोल वर्तमान में भारतीय रेलवे में TCM के पद पर जोधपुर में कार्यरत हैं। बाड़मेर जूडो को उच्च स्तर तक पहुंचाने में इनका अहम योगदान रहा। इस कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में 16 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से ओलंपियन अवतार सिंह, कॉमनवेल्थ 2012 और 2016 की विजेता गरिमा चौधरी और यूथ ओलंपिक की विजेता तबाबी देवी ने भाग लेते हुए आसानी से गोल्ड मेडल जीता। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।